अभी हम लोग जे एन यू का पेपर हो रहा था, अभी सेंटर के बाहर है क्योंकि थोड़ा लेट हम लोग पहुँचे, इस वजह से कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास हमको मिले, तो उनसे हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली उनसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में और किस चीज़ का पेपर था। तो भाई आपका क्या नाम है? अरशान अली। कहाँ से आए आप? रामपुर यूपी। रामपुर यूपी से आए। अभी किस चीज़ का पेपर था आपका? फिलोसफी, एम ए फिलोसफी। यस, जे एन यू के लिए। जी जी, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर एम ए फिलोसफी के लिए, जे एन यू के लिए, जो एन टी ए करवाता है, उसके क्वेश्चन पेपर को आप सोल्व किए थे लास्ट ईयर वाले? हाँ। उससे कुछ आइडिया मिला था आपको? हाँ हाँ, कि क्वेश्चन किस टाइप का आएंगे, कौन सा ज़्यादा पढ़ना है, ये सब आइडिया मिल गया था। मतलब क्वेश्चन किस टाइप का आएंगे, कौन सा ऑथर पढ़ना है, और जो पिछले साल के जो जिन लोगों ने निकाल लगा था उन लोगों ने वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पर कि कौन कौन सी बुक्स रिकमेंड कर रखी है, तो वो भी पढ़ा था। तो वो क्या अभी आपको कुछ हेल्प किया है? हाँ, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी थे? हाँ, पैटर्न्स मिल सकता है, सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं लगे मेरे को, पैटर्न सेम था। मतलब कि जो क्वेश्चन उस सेक्शन से बहुत सेम थे, जैसे कि कौन से फिलोसफर की कौन सी बुक है, ये सारे सेम थे। अच्छा, लास्ट ईयर के कंपैरिजन अगर मैं अभी क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन का तुलना करना चाहूँ, कंपैरिजन करना चाहूँ, तो उसमें कौन सा टफ था आपके हिसाब से? मेरे को तो कुछ टफ नहीं लगा, मतलब ऐसे टफ नहीं लगा कि कंपैरिजन करने में। मेरे को तो मतलब लास्ट ईयर यहाँ से ही था पैटर्न, ज़्यादा अलग नहीं था, मतलब कुछ टफ नहीं करा था, मतलब पहले यहाँ से ही था। अच्छा, कोई ऐसा पोर्शन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया हो? इस बार मेरे को लगता है कि जो मॉडर्न फिलोसफी है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, इंडियन फिलोसफी से ज़्यादा। तो इंडियन फिलोसफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? नहीं, मॉडर्न फिलोसफी से। अच्छा, मॉडर्न से ज़्यादा। जो लोग नेक्स्ट ईयर चाहते हैं एमए फिलोसफी जे एन यू से करें, उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? सुझाव ये होगा कि जिन लोगों ने निकाल रखा है ना, उन लोगों ने वीडियोज़ डाल रखी हैं, उन्होंने बुक्स रिकमेंड कर रखी हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें इंडियन फिलोसफी के लिए, क्योंकि बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर आता है, तो ज़्यादा सब्जेक्टिव ज़्यादा पढ़ने का, दोनों कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेसिफिक बुक रिकमेंड करी हैं, वो बुक अगर पढ़ें तो ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। आप कैसे प्रिपरेशन किए थे? उन्हीं से जो उन्होंने बताया था कि आप अपना कुछ अभी पेपर दे के आ रहे हैं, आपको आइडिया लग गया होगा। हाँ। कि हम इस वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करके आते हैं, ये वाला हम सही करके आए हुए थे, अभी आपको आइडिया लगा होगा क्योंकि पेपर देखने के बाद। तो आप उस हिसाब से नए स्टूडेंट के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? कि जो फिलोसफी का जो पेपर है ना, वो फिलोसफी से थोड़ा अलग है, बहुत फिलोसफी बहुत सब्जेक्टिव होती है ना उसमें, लेकिन इसमें बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो अगर वो ज़्यादा उसको मतलब ज़्यादा बुक ज़्यादा वो ना पढ़ें, जो उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है ना, मतलब समराइज करके पढ़ें, मतलब पूरा पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसको समरीज दे रखी हो, मतलब समराइज में क्या किस सेंस में बताऊँ, किस उसे ऑब्जेक्टिव रूप से ज़्यादा पढ़ें, अगर ज़्यादा थ्योरी में घुसोगे ना तो बहुत लंबा पड़ जाएगा और हो नहीं पाएगा, मतलब ऊपर से हमें पढ़ना चाहिए, ऊपर से नहीं, मतलब डीप जाके, लेकिन हाँ, लेकिन उसको स्पेसिफिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब जो उससे क्वेश्चन है ना, वो कौन सा ऐसा पोर्शन है जो स्पेसिफिक है आपके हिसाब से उसको मतलब करना चाहिए? जैसे कि इंडियन फिलोसफी में जैसे कि क्वेश्चन जो ज़्यादातर आते हैं, जैसे कि इंडियन फिलोसफी का कौन किसने स्टार्ट की थी, ओरिजिन किसने किया था, मतलब ज़्यादा डीप ज़्यादा वैसा स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं आएंगे, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कि किसने स्टार्ट किया था, कौन किसने स्टार्ट किया था, और क्या कहते हैं उसको कि कौन सा प्रैक्टिशनर किसका है, कौन सा जो वो है थे उनके जो प्रैक्टिस थी किसमें ज़्यादा होती हैं, ये सब ज़्यादा होता है। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। विनीत कुमार झा। सर, आप कहाँ से आएंगे? मैं दिल्ली का हूँ। दिल्ली से। सर, अभी किस चीज़ का पेपर था आपका यहाँ? फिजिक्स का। एमएससी का? हाँ, एमएससी फिजिक्स उसके साथ भी था और बीसीए का था, एमसीए का। अच्छा, इसमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मतलब एमसी के क्वेश्चंस रहते हैं और पूरे फील्ड से होते हैं, मतलब सारे फील्ड से होते हैं। अच्छा, कोई ऐसा पोर्शन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब मैंने देखा मॉलिक्यूलर से भी क्वेश्चन थे ज़्यादा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी थे, क्वांटम मैकेनिक्स से, सारे से थे क्वेश्चन से, तो ऐसा कुछ प्रेफरेबल। आप तैयारी कैसे किए थे? बस मतलब स्टडी जो एमएससी की स्टडीज थी उसको ही प्रिपेयर करना होता है, बस वही, और उसके अलावा तो और कुछ नहीं, और थोड़ा सा बेसिक देखना होता है। जेएनयू में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रुप बनाते हैं स्टूडेंट के लिए हेल्प करने के लिए, कि ताकि वो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए तो ऐसा कुछ आपको हेल्प मिला था उन लोगों से? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था, मतलब मैंने तो सेल्फ स्टडी किया था। जो लोग नेक्स्ट ईयर चाहते हैं एमएससी फिजिक्स जेएनयू से करें, उनके लिए आपका क्या गाइडेंस होगा? बस यही होगा कि बेसिक अच्छे से तैयारी करें, और तो यही है कि कोई ऐसा पर्सन जिस पे ज़्यादा उनको फोकस करना चाहिए आपके हिसाब से? अभी आप पेपर दे के आ रहे हैं, आपको ज़्यादा आइडिया लग रहा है। मैंने पीएचडी का पेपर दिया है, तो एमएससी का पेपर मैंने अभी दिया नहीं था, मतलब 2 साल पहले दिया था, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स, ये 4 होते हैं सबसे बेसिक टॉपिक्स,
इसके अलावा थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स देखना होता है। चलिए मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए थैंक यू सर। आपका? मेरा नाम अजहरुद्दीन है। कहाँ से आए हैं आप दोनों? मैं तो मतलब बेसिकली यूपी से हूँ, बट यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, ओखला में। अभी किस चीज़ का पेपर था आप लोगों का? ये PhD अरबिक का था। PhD अरबिक का। तो आप लोगों का मास्टर कहाँ से हुआ है? मास्टर जेएनयू से हुआ है, ग्रेजुएशन भी हमने वहीं से किया है। दोनों लोग वहीं से किए हैं। अभी जो आप पेपर दे के आ रहे हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आप? क्वेश्चन अभी जो ये पेपर अभी जो हो रहे हैं, तो ये तीसरा पेपर है, तीसरा साल ये हो रहा है, और क्वेश्चन पैटर्न जो था वो सेम था, बट ये कि इन्फॉर्मेशन अलग अलग मतलब रिपीट नहीं हो रहे थे, और डीप इन्फॉर्म की थोड़ा सा डीप इन्फॉर्मेशन उसमें। जो लोग नेक्स्ट ईयर चाहते हैं कि PhD JNU से करें और अरबिक से करें, उनके लिए आपका क्या गाइडेंस होगा? देखिए, मेरा तो उनके लिए यही गाइडेंस होगा, सबसे पहले कि वो जो पुराने पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर, वो हल करें, और उसमें जो ऑप्शंस दिए रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अगर किसी का उनको आंसर पता हो गया कि ए है या बी है या डी है, तो बस उसी पे रह जाएं। उसमें जो नीचे ऊपर के जो ऑप्शंस होते हैं ना, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, और जो ऑप्शन सही है उसके भी आगे पीछे की चीज़ों को ज़रूर देखें प्रीवियस पेपर को हल करते हुए। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो पैटर्न था क्वेश्चन का, उससे लोगों को एक आइडिया मिलता है किस टाइप की कैसे प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत वास्ट जो सब्जेक्ट है ये। रिपीटेड क्वेश्चन कुछ ऐसे थे लास्ट ईयर? नहीं, रिपीटेड नहीं थे, बट ये कि जो पैटर्न था उससे हमें ये पता चलता है कि हम कैसे प्रिपेयर करें। हाँ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मॉडर्न जो एरा है वहाँ तक की जो हिस्ट्री लिटरेचर है वो कैसे प्रिपरेशन का, उससे एक बहुत अच्छा आइडिया मिला। आपके हिसाब से जो PhD करना चाहते हैं अरबिक से JNU से, अभी जो आप पेपर देकर आ रहे हैं, उनको किन पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो सके आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से मॉडर्न ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और मॉडर्न के अलावा उसके अलावा जो अदब जाहिली है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और बहुत डीप नहीं पूछते हैं, और ख़ास तौर से जो मॉडर्न में जो राइटर्स की जो कुछ कुछ किताबें जैसे जो रिसेंटली जो लिखी गई हैं उनके बारे में, और अदब जाहिली में से जो उनकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मतलब उनके काम के बारे, वर्क के बारे में उतना नहीं पूछते हैं, बट वो चीज़ें उनकी लाइफ के बारे में पूछते हैं ज़्यादा। आपके हिसाब से क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड मेयारी होते हैं, ऐसा नहीं कहीं से भी उठा करके कोई भी पार्ट दे दिया, ऐसा नहीं है, ऑप्शनल होते हैं लेकिन काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं। जो अदीब होते हैं, जो राइटर, हाँ राइटर जो हैं शुरू से लेकर आखिर तक जो भी हैं, उनके जो अच्छे अच्छे कारनामे हैं, जो अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सारे। अब मुझे लगता है कि उसमें जो ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं दिखता होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, वो मुझे लगता है कि वो ज़रूर उनके नज़र में होता होगा कि हाँ प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो उसी से मिलता जुलता देते हैं, बट दूसरा ऑप्शन होता है या उसमें जो ऑप्शंस होते हैं उसमें वो ट्रिकी एक तरह से बना देते हैं। आपके हिसाब से जो चार ऑप्शन होता है एक हमारा सही जाता है, बचे के तीन ऑप्शन जो होते हैं उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन फेराइज हो जाता है? हाँ बिल्कुल वो तीन से भी होता में है। देखा जाता है। हाँ वो होता है, और ऐसा भी होता है कि उसी से भी पूछते हैं बट कुछ और पूछ लेते हैं उसी से रिलेटेड। हाँ उसी से रिलेटेड कुछ और पूछ लेते हैं। चलिए मैं आशा करता हूँ आप दोनों का सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल थैंक यू सो मच।